टॉपिक पे पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो झटपट डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा और कार्ट में ज़रूर मैं ऐड कर दूंगी, वहाँ पे भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज का नुस्खा जल्दी से बता देती हूँ। अगर आपको किसी भी विषैले कीट मकोड़े कीड़े मकोड़े ने काट दिया है और आप जलन से तड़प रहे हो, आपको किसी का भी जैसे कि मधुमक्खी, ततैया, इस टाइप के जो विषैले कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े का जो है हुल आपके बॉडी में चला गया है और वो निकल नहीं रहा है, ऐसे कोई भी सिचुएशन अगर आपकी है तो आपको एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको केले के पत्ते अगर मिल जाते हैं, केले का पत्ता अगर आपके केले का पेड़ रहता है आपके घर में, तो उसका जो पत्ता होता है उसको लेकर आपको वहाँ पर पेस्ट लगाना है। इससे आपका जलन ख़त्म हो जाएगा, आपके अंदर अगर हुल धंसा भी है तो वो भी निकल जाएगा और आपके बॉडी में जो पेन हो रहा है उस पेन से आपको राहत मिल जाएगी। तो है ना बहुत मज़ेदार नुस्खा। तो अगर आपने पहला वाला भी ट्राई नहीं किया है, अगर वो सब, और इससे भी बहुत आसान है, अगर आप सोच रहे हो कि आपके घर में पेड़ नहीं है तो आप जलन से कैसे आपको राहत मिलेगी, तो उसके लिए भी जो आपके सामने है, जो आपके आसपास रहता है, ऐसी ही चीज़ों से आप कैसे इस जलन से आप छुटकारा पा सकते हैं, इसी टॉपिक पे मैंने दो दो वीडियो बना रखा है, वो बहुत काम की है, आप ज़रूर देखिए। और दोस्तों मैं एक न्यूज़ देना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरा अभी मैं 2-3 चैनल में अपना काम कर रही हूँ, और तो मेरा एक दूसरा चैनल है जो है ऋषि द ट्रैवल गुरु, उसमें मैं जो होल सेलर हैं फूड ब्लॉग, वहाँ पे आपको मिल जाता है कहाँ सबसे ज़्यादा और क्या स्पेशल मिलता है इस चीज़ के बारे में, और हिस्टोरिकल प्लेस की जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में, कैसे जाएँ कैसे नहीं जाएँ, इन सब के बारे में मैं वहाँ पर वीडियोज़ बनाती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए तो ज़रूर ऋषि द ट्रैवल गुरु को सर्च कीजिएगा और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन मैं डाल दूंगी। तो चलती हूँ दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं और हैप्पी हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।